नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, शाहिद कपूर की इम्तियाज अली के साथ करीब 2 दशक पहले एक फिल्म आई थी, जब वी मेट। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट रही थी, काफी अच्छे गाने थे, फिल्म की स्टोरी भी दमदार थी। और दोस्तों, शाहिद कपूर तथा करीना कपूर की जोड़ी थी, फिल्म काफी पसंद की गई थी, रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। तो अब शाहिद कपूर फिर से ऐसी फिल्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, शाहिद कपूर आप जानते हैं कि एक अच्छे एक्टर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी उनकी OTT पर वेब सीरीज जारी हुई थी, रिलीज हुई थी, जिसका नाम था फर्जी, और ये काफी ज्यादा पसंद की गई है। इसका फर्जी 2 भी बनाया जाएगा। इसमें विजय सेतुपति उनके साथ थे, काफी अच्छी एक्टिंग थी उनकी। इसके अलावा दोस्तों, बलडी डैडी कर रहे हैं, एक रीमेक मूवी है जिसको अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अनीस बज्मी के साथ भी वो एक फिल्म करने वाले हैं। इसके अलावा मैडॉक की फिल्म करने वाले हैं, जो एक हल्की फुल्की कॉमेडी मूवी होगी, कृति सेनन उनके साथ होगी। साथ ही दोस्तों, शाहिद कपूर ने ये भी जानकारी दी कि वे अब कुछ हल्की फुल्की फिल्में करना चाहते हैं। उनकी फिल्म जर्सी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी, आप जानते ही है। तो वो एक्शन जोनर की फिल्में नहीं कर करके हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी मूवी करना चाहते हैं। तो इसीलिए वे इम्तियाज अली से उन्होंने बात की है, और एक स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है जिसकी जल्दी ही अनाउंसमेंट हो सकती है। और इम्तियाज अली तथा शाहिद कपूर फिर से जब भी मैट जैसी एक फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शाहिद कपूर ने यह भी कहा कि जब भी मैट दशकों में एक बार ही बन सकती है, बार बार इसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ऐसी हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म जरूर करना चाहूंगा, जैसे मुझे मेरी बहुत ही अच्छी फिल्म वो लगती है, फेवरेट फिल्म है। तो देखते हैं शाहिद कपूर की इस फिल्म की कब अनाउंसमेंट होती है, जल्दी ही इसकी घोषणा हो सकती है। अनीस बज्मी वाली फिल्म की भी घोषणा होने वाली है, और मैडॉक फिल्म की तो शूटिंग शायद शुरू हो चुकी है। शाहिद कपूर और कृति सेनन प्रमुख भूमिका में है। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।